हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में वीडियो नंबर 9 ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में ध्यान देखें क्या है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, देखिए यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम एक बात करते हैं, रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर परिमेय संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसे ये हो गए 11/3, 11/3। समझे, ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर अंश, और जो नीचे वाला होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर हर। ठीक है, जब हम डिवाइड या भाग करते हैं तो न्यूमरेटर को अंश को अंदर रखते हैं और हर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, थ्री थ्री जा या इसको 19 कर दो, 3 6 18, इंचिंग 18। देखिए जिसमें भाग दिया जाता है, जिसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड 19 को कर रहे हैं, भाग किसमें दे रहे हैं, 19 को, उसे बोलते हैं भाज्य। डिविडेंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, जिससे भाग दिया जाता है भाजक, डिवाइजर इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट, जो ऊपर आता है जितनी बार भाग दिया जाता है, जितनी बार डिवाइड होता है उसे बोलते हैं भागफल, क्वाड्रेंट और इसको क्यू से रिप्रेजेंट, जो अंत में बच जाता है उसे बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर, और आर से रिप्रेजेंट। ठीक है, आगे बात समझने, ये बेसिक थी। इन पर एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, आप जानते होंगे, वो नोट क्लिक कर मैंने लिखा रखा है आपके नोट्स में, वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, शॉर्ट में संकेत क्या होगा, डी स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, बड़ा लिखो चाहिए बात समझे। ये बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिक सारी बताते हुए चलेंगे, जिसने पहले नहीं भी पढ़ रखी वो भी समझ ले इस बात को, लेकिन अब याद रखते हुए चले। ठीक है, नाइन्थ के बाद फिर बेसिक नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि बहुत सारा कोर्स होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, बात आ रही थी, अब दशमलव हो गई, दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, देखिए डेसिमल नंबर दशमलव संख्या बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, डेसिमल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स शांत
दशमलव संख्याएं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, शांत दशमलव संख्या, ठीक है। शांत दशमलव संख्या, ठीक है। ऐसी दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेफिनेशन साथ साथ के लिए करता हूं, चल रहा हूं, ठीक है। डेसिमल नंबर आर ऑफ टू टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, दोस डेसिमल नंबर्स इन विच आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर स्टॉप, डिजिट्स आर स्टॉप। अरे बात समझ में, शांत दशमलव संख्या क्या होती है, ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना समाप्त हो जाए, एंड हो जाए। जैसे 3.5, 19.625, 0.3876, कुछ भी, लेकिन बाद में डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल के बाद, दशमलव बिंदु के बाद अंकों का आना समाप्त हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इतने आएंगे। लेकिन अशांत में क्या होता है, 7.2222 चलता जाएगा, ठीक है। और इसको अपन ऐसे भी चलते हैं, 7.2 का बाद इसमें आ जाओ, जैसे 19.625, 625 या 645, कुछ भी 645, लेकिन चलता जाएगा। इसको अपन लिखते हैं 0.645 का बाद, जो चीज़ रिपीट कर दी उसको, ठीक है। 0.38095430640 कुछ भी 9 डॉट कर, चलो आया ना, उत्पटांग चलता चला जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है। उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव। आगे बात समझ में, अब अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर ऑफ टू टाइप, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होती है, रिपीटिंग, रिपीट मतलब ऐसी डेसिमल, ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इन विच आफ्टर डेसिमल नंबर डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, रिपीट होते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होता है, ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, रिपीट करें, ठीक है। तो 7.2222 डॉट डॉट डॉट, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर चल रहा है, डेसिमल के बाद बार आ जाता है। और 19.645645 डॉट डॉट डॉट, 19.645 का बार, रिपीट तो क्या हो रहा है, 25, तो 0.3 तो छूट जाएगा, 25 के ऊपर क्या जाएगा, ठीक है। अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव
संख्याएं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हुई, दोस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इन विच आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट डू नॉट रिपीट नहीं होती, ऐसा अनावर्ती दशमलव संख्या हो जाती है, ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद किसी अंक के अंक समूह की पुनरावर्ती नहीं हो, उत्पटांग चलता जाए। 0.1 3809543 06 49 कुछ भी, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, फिर उनके प्रकार उनके उदाहरण से ही समझा दिया। डेफिनेशन मैंने उसमें लिखी रखी, मैंने आपको यहाँ पर भूल कर समझा दिया। अब एक नोट बचा, देखिए बेटा इनमें जो डेसिमल नंबर्स होते हैं दशमलव संख्या होती है उसमें कुछ परिमेय होती है कुछ अपरिमेय संख्या होती है। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें कुछ जो होते हैं रैशनल होते हैं कुछ इरैशनल। देखो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ये ऑलवेज रैशनल नंबर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कैसे उस सीखेंगे, ठीक है। शांत दशमलव संख्या जो होती है वो कैसी होती है, परिमेय होती है, ठीक है, कैसे होती है वो सीखेंगे, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है उसके दो प्रकार होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, रिपीट जो होते बार बार ये भी कैसे होते हैं रैशनल, ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं इरैशनल। अशांत आवर्ती जो होते हैं रिपीट करते हैं वो तो होते हैं परिमेय, और अनावर्ती जो होते हैं जो रिपीट नहीं होती डिजिट में वो क्या होते हैं अपरिमेय। याद रखना ये रैशनल परिमेय, ठीक है, ये भी रैशनल ये भी परिमेय, ये इरैशनल अपरिमेय। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, ध्यान रखने की बात, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होते हैं ये रैशनल नंबर में, कैसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट होते हैं, क्या अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो, एग्जांपल याद रखो, आना चाहिए कैसे, ठीक है।